तो भाई सी यू सून के बाद यह मलयालम मूवी आई है, क्या आपको देखनी चाहिए नहीं, आइए इस वीडियो में बात करते हैं। तौफीक साहब के बारे में, क्या कोई मूवी देखनी चाहिए नहीं, इस वीडियो में बात करेंगे। और टेंशन मतलब ये वीडियो भी हमारी हर वीडियो की तरह स्पॉइलर फ्री होगी, तो आप ये वीडियो देख के जाके तौफीक साहब आराम से देख सकते हो बिना किसी स्पॉइलर की टेंशन के। तो भाई अभी रिसेंटली Amazon Prime पे सी यू सून आई थी, जो कि काफी ज्यादा अच्छी मूवी थी। अगर आपने नहीं देखी अब तक तो हमने उसका रिव्यू कर रखा है चैनल पर, जाके आप वो देख सकते हो, आई कार्ड में उसका लिंक आ रहा होगा। अब उसके बाद हमारी तौफीक साहब वन मैन आर्मी आई है Amazon Prime पे, जिसको जाके आप देख सकते हो, अभी स्ट्रीम कर रही है। और आई मस्ट टेल यू, इसकी एक्सपेक्टेशन मेरे को सी यू सून के बाद बहुत ज्यादा थी, अब क्या उस पर खड़ी उतरी है या नहीं, वो जानने के लिए आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो भाई अब बात करें तो तौफीक साहब की स्टोरी क्या है, उसकी स्टोरी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड और काफी सिंपल है फर्स्ट ग्लांस में। मूवी में कैसी है, थोड़ी सी ट्विस्टेड है, थोड़ी सी टर्न्स हैं, थोड़े से ट्रबल्स हैं, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड की स्टोरी है। भाई हमारे तौफीक जो होता है उसको एक एक्टिंग रोल चाहिए होता है, मूवी में काम चाहिए होता है, और फाइनली उसको काम मिल जाता है। बट किसी भी काम की तरह सबको लगता है कोई काम आसान होता है, कोई मुश्किल, बट ये काम मुश्किल है। क्या वो ये काम कर पाते हैं नहीं, वो जानने के लिए तो आपको तौफीक साहब वन मैन आर्मी देखनी पड़ेगी। तो जैसा कि मैंने कहा, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी नहीं, जी हाँ बिल्कुल, बट जब आप ये मूवी देखने लगोगे तो आपको पता चलेगा जितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड इसकी स्टोरी है ना, उतनी ही ज्यादा इसमें ट्विस्ट एंड टर्न है, उतनी ज्यादा मुश्किलें हैं हमारे तौफीक के लिए उसको अपने मूवी में काम करने में। तो बात कर लेते हैं इस मूवी के एक्टिंग के बारे में, और एक्टिंग डिपार्टमेंट सरप्राइजिंगली काफी ज्यादा अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि देखो भाई मैं कभी भी डब्ड नहीं देखता, मैंने पहले भी कहा है ये बात, मैं कोई भी मूवी डब नहीं देखता, जिस लैंग्वेज में वो आती है मैं उसको मैं देखता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ कि क्या हो रहा है। अब ये चाहे मेरे को एनिमे से आदत लगी है, जहाँ से भी, मेरे को डब देखना पसंद नहीं है, क्योंकि यार वो थोड़ी सी इरिटेटिंग लगती है, मेरे को थोड़ी सी अनोइंग लगती है जब आप किसी और लैंग्वेज में उसको देखते हो, क्योंकि कितने भी अच्छे वॉइस एक्टर डाल लो, जो बात ओरिजिनल में ना वो डब में है ही नहीं। तो इसको भी मैंने ओरिजिनल में देखा और मुझे ये मूवी 70% समझ में आ गई बिना किसी डायलॉग को समझे, मतलब मेरे को मलयालम नहीं आती, बट उसके बाद भी मुझे 70% समझ में आ गई, दैट मीन्स एक्टर्स हैज डन अ क्वाइट डिसेंट जॉब। और भाई यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा, तौफीक का जो कैरेक्टर है ना, काफी ज्यादा फनी है, काफी ज्यादा क्यूट है, काफी ज्यादा लवेबल है, तो आप पूरे टाइम तौफीक से, मतलब ये होता ना एक अटैचमेंट सी, वो रखोगे पूरे टाइम, ऐसा लगे यार तौफीक के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कब ये अच्छा होगा, कब इसके साथ अच्छा होना स्टार्ट होगा, आप पूरे टाइम ये सोचोगे, तो आप एक कैरेक्टर से कनेक्ट कर जाओगे। एंड टेक इट फ्रॉम समवन हु डज नॉट नो द लैंग्वेज, जब वो किसी कैरेक्टर से कनेक्ट कर सकता ना, तो यार एक्टिंग तो काफी अच्छी की गई है। और इसका सारा क्रेडिट एक्टर को नहीं, डायरेक्टर को भी जाता है, बिकॉज ही इज द वन हु इज लुकिंग आफ्टर द एक्टर्स, हु इज मेकिंग श्योर द स्टोरी इज कन्वेड टू ऑल द व्यूअर्स। तो भाई अगर एक्टर ऐसा काम कर दे तो तालियां तो बनती हैं उसके लिए। तो आई मस्ट से दिस मूवी हैज बीन रिटन क्वाइट वेल, क्योंकि मूवी का जो प्लॉट है जो काफी अच्छे से फ्लो करता है, कहीं पे भी इसमें ब्रेक थ्रूज नहीं है, आपको कहीं बोर नहीं होने देता, आपको पूरे टाइम एंटरटेन रखता है, पूरे टाइम आप इससे इंजॉय करोगे, आपको कहीं ऐसा नहीं लगा कि ये क्या फालतू की चीजें दिखा रहे हैं, क्या बकवास दिखा रहे हैं, इतना बोर कर रहे हैं। काफी अच्छा प्लॉट रखा है, शुरू से एंड तक आपको काफी ज्यादा मजा आएगा, आपको काफी ज्यादा एंगेज रखेगा, कुछ ना कुछ बीच में होता रहेगा जिससे आप इमोशनली इस मूवी से कनेक्ट हो जाओगे जब तक ये खत्म होगी। अब ये तो बात होगी एक्टिंग की और डायरेक्शन की, लेट्स टॉक अबाउट कैमरा वर्क एंड कलर करेक्शन, जो कि मेरे फेवरेट टॉपिक हैं किसी भी मूवी के बारे में बात करने के लिए। तो इसका भाई कैमरा वर्क मेरे को थोड़ा सा खराब लगा, मतलब कहीं कहीं जगह पे कुछ और पर्सपेक्टिव लेके दिखाते तो काफी ज्यादा मजा आता, बट दैट्स जस्ट अ माइन्यूट थिंग, वो स्टोरी में कनेक्ट करने में थोड़ी ज्यादा हेल्प करता है। ऑल्दो द कलर करेक्शन हैज बीन डन ब्रिलियंटली, आपको कहीं पे भी स्ट्रेस नहीं आता आंखों पे, कहीं पे भी ये नहीं लगता कि ऑफ टोन चल रहा है, इमोशन कुछ और कन्वे करना चाह रहा है बट कलर टोन कुछ और चल रहा है, तो उस डिपार्टमेंट में तो कोई कमी नहीं है। बट ये था यार, थोड़ी सी जगह कैमरा एंगल्स और डालते या दूसरे ट्राई करते तो ये मूवी और किसी लेवल पे चली जाती, एकदम लाजवाब हो जाती। बट नेदरलेस ये कोई खराब मूवी नहीं है, थोड़े से कैमरा की चीजें जो कि जनरली लोग इग्नोर करेंगे, देखेंगे भी नहीं, उससे कोई मूवी खराब नहीं हो जाती। जब किसी ऐसे बंदे को जो जिसको लैंग्वेज नहीं आती वो मूवी देखे उसको 70% समझ में आ जाए, तो भाई मूवी अच्छी होगी ही होगी। तो अगर आपको मलयालम आती है और आपने इस मूवी को उसी लैंग्वेज में देखा है तो नीचे कमेंट्स में बताना कि मेरी बात में कितनी सच्चाई है या नहीं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों साथ शेयर करो यार, उनको भी ऐसी अच्छी अच्छी मूवीज के बारे में पता चलना चाहिए कि इंडिया में, हाँ साउथ इंडिया में तो काफी अच्छी अच्छी मूवीज बन रही है, बॉलीवुड ही टट्टी कर रहा है। और अगर नए हो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो, लाइक भी कर दो। थैंक यू वॉचिंग गाइज, एंड एज ऑलवेज पीस आउट।